सन्नाटा छा गया था आरक्षण के बारे में। मायावती जी आई, कुछ नहीं किया, मगर जब मनमोहन सिंह जी ने किया, मुलायम सिंह जी खड़े होते हैं कहते हैं कम किया, अगर हम होते हम 28% करते। अरे भैया आप थे तीन बार मुख्यमंत्री थे, तब 28% क्यों नहीं किया? मायावती जी कहती है हमने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी से कुछ नहीं होता। युवाओं में शक्ति है, मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस प्रदेश को आपने बनाना है, इस प्रदेश को राजनीतिक दल नहीं बनाते, आप बनाते हो। राजनीतिक दल सिर्फ आपकी आवाज सुन सकते हैं, हम आपकी आवाज सुनने आए हैं। मैं आपके घरों में जाता हूं, घरों में भोजन करता हूं, आपके कुओं का पानी पीता हूं, कभी कभी बीमार हो जाता हूं, और मैं सोचता हूं अच्छी बात है, दो बार बीमार होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश को लोगों को क्या होता है। मैं आपके बीच में आता हूं, आपका हाथ पकड़ता हूं। क्यों पकड़ता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस प्रदेश को अगर बदलना है आप बदल सकते हो। हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, गरीब बदल सकता है, किसी एक धर्म का व्यक्ति नहीं बदल सकता, किसी एक जात का व्यक्ति नहीं बदल सकता, सब मिलकर बदल सकते हैं। आपने इन लोगों को 22 साल दिए, क्या मिला? महाराष्ट्र में जाओ काम करो, अपने बच्चों को यहां छोड़ो। भ्रष्टाचार मिला, चोरी की आपने, चोरी की आपके पैसे की, और कुछ नहीं मिला। हम सरकार चलाना जानते हैं, दिल्ली में हमारी सरकार चलती है, हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है। आंध्र प्रदेश को हमने बदला, केरला को हमने बदला, केरला में जाइए, स्कूलों में जाइए, देखिए क्या हो रहा है। हरियाणा को बदला, दिल्ली को बदला, असम को बदला, हम काम करना जानते हैं। और हम यहां चुनाव जीतने नहीं आए हैं, हम उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं। और आप अच्छी तरह सुन लो, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, सालों से आपने मेरे परिवार पे भरोसा किया है, परदादा पे भरोसा किया, दादी पे भरोसा किया, पिता पे भरोसा किया। हमारे पास आपके भरोसे के को छोड़ के कुछ नहीं, हमारे पास आपके प्यार को छोड़ के कुछ नहीं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस भरोसे की इज्जत मैं जिंदगी भर करूंगा, चाहे मुझे यहां पे 400 सीटें मिले, 200 सीटें मिले, या एक सीट मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह सुन लो, मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूं, मैं चुनाव नहीं देख रहा हूं, मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, यूपी की इज्जत, यूपी की भरोसे की इज्जत। 22 साल से आपने इन लोगों पर भरोसा किया, हर जात के लोगों ने किया, हर धर्म के लोगों ने किया, मगर इस भरोसे के लिए आपको इज्जत नहीं मिली। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी भर जो आपने मुझे प्यार दिया, जो आपने मुझे इज्जत दी,
आप दूर दूर से यहां आए हो मेरी बात सुनने, इज्जत दी है आपने मुझे, आपके घर में जाता हूं खाना खाता हूं, आप मेरा हाथ पकड़ते हो, प्यार देते हो, इज्जत देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बात को नहीं भूल सकता। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके घरों में आऊंगा, आपके हाथ पकड़ूंगा, मजदूरों के फटे हाथ पकड़ूंगा, किसानों के हाथ पकड़ूंगा, हर धर्म के लोगों के हाथ पकड़ूंगा, और छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि नाटक है, ये नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरी जिंदगी ये नाटक करूंगा और करूंगा इसे, और जब तक ये प्रदेश अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, जब तक आपके लोगों को महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा, जब तक आपके किसानों को काम नहीं मिलेगा, जब तक यहां रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक भोजन का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमारे मुसलमान हिंदू सिख ईसाई लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी, तब तक राहुल गांधी आपको घरों में दिखाई देगा।